यहाँ हम लोगों के एक साथ पूरे पंचरामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी के आने का मुख्य ध्येय 2017 में सर्वेश्वर दास जी ने सर्वसम्मति से होशो हवास में सभी प्रकार के चेतन अवस्था में सभी के उपस्थिति में श्री परमहंस जी को संपूर्ण रूप से स्थान का दायित्व अधिकार सुपुर्द किया है और गुरु परंपरा में रहने वाला शिष्य मौके पर गुरु का अर्थी गुरु का शरीर सबका जो संस्कार करता है मौके पर जो उपस्थित रहता है हमारे साधु साई परंपरा में ये भी एक है। इसीलिए सर्वसम्मति से पूरे संपूर्ण चारों पट्टी के बच्चे बच्चे सारे महंत गदिन सिंह समेत सभी का सर्वसम्मति है कि परमहंस जी को इस गद्दी के परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित करके स्थान दिया जाएगा। हम लोगों का सर्वसम्मति है, इसी को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और परमहंस जी के आश्वासन देने के लिए निडर रहने के लिए निर्भय करने के लिए और भय मुक्त होकर के रहने के लिए विरक्त और वैरागी का जो शाश्वत जीवन है उसको अछूण आबाद रखने के लिए हम आपको आशीर्वाद देने के लिए अथवा आपका हृदय से समन्वय करके हृदय से मिलाने के लिए अपना मानने के लिए अपना है इसको जानते हुए ये दर्शाने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम यहाँ उपस्थित हैं। हनुमानगढ़ी पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या और अयोध्या का पूरा संत समाज 2017 में जो महाराज जी सर्वेश्वर दास जी ने परमहंस जी को जो दायित्व दिया था जो उत्तराधिकार दिया था उसकी हैसियत से वह स्वयं महाराज जी की अनुपस्थित में महंत हैं और बस इनका एक जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है 12 तारीख को और निश्चित है वो पूरा होगा। आखिर क्या वजह पड़ी कि आप पहले से इसके समर्थन में आशीर्वाद? कोई वजह नहीं है, हमें तो ऐसे भी समर्थन करना ही करना था। जितने साधु संत महापुरुष है हमारा घर है हमारे भाई बंधु हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और ऐसी स्थिति में जितने भी अयोध्या के संत महापुरुष हैं और हनुमानगढ़ी के वो तो आपके समर्थन में वैसे ऑलरेडी है ही। जी बताया जा रहा था कुछ संत जो है इसका विरोध कर रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो अगर विरोध कर रहे हैं तो मान के चलिए वो कहीं ना कहीं संत नहीं है, संत भेष में कालनेमी है। उसी पर भंसदास को पता है कि डीएम के यहाँ लिखित दिया था कि मैं महंत निरस्त करता हूँ, उसके बाद इस्तीफा दिया है, डीएम तक दिया है, तो वो क्यों भूल रहा है वो? और दूसरी बात, यही पर भंसदास हमारे सामने बैठ के दिलीप दास जी के सामने बैठ के अपने आप को कहा कि मैं आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ रहूँगा, नहीं तो आदेश होगा हम चला जाऊँगा। तो दोहरी चाल चल रहे कि इसलिए दोहरी चाल चल रहे कि भू माफियाओं को तपस्वी जी छावनी के जमीन बेच के दो नंबर के पैसा ला के सबको बांट के और भीड़ इकट्ठा कर रहे। ये कोई निर्मोही निर्माणी का आश्रम नहीं है, ये दिगंबर अखाड़े का आश्रम है। इस आश्रम से 13 भाई त्यागी, 14 भाई महात्यागी, 12 भाई डाड़िया, सनकादिक, सप्तऋषि सभी इसी श्री गद्दी है। ये कोई निर्मोही निर्माणी की गद्दी नहीं है, ये दिगंबर अखाड़े की गद्दी है। यहाँ जो चाहेगा दिगंबर वही होगा, निर्मोही निर्माणी के भीड़ इकट्ठा करने से यहाँ कुछ होना जाना नहीं है।